हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कक्षा 8 विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने चैप्टर 1 से लेकर 9 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उनकी क्लासेस आप अपनी आवश्यकता अनुसार चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 10 किशोरावस्था की ओर के अभ्यास प्रश्नों के सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है उसके लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जिस पदार्थ का स्राव किया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसे हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। दूसरा है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। हमें किशोरावस्था को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो देखें, जीवन काल की वह अवधि या जीवन काल का वह समय जब जनन विकास के कारण शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। जनन विकास के कारण शरीर में क्या होने लगते हैं? परिवर्तन होने लगते हैं। उस जीवन की उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। कहां से? 11 वर्ष से लगभग शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक यह अवस्था रहती है। किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स भी कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। लड़कों में सामान्यतः यह 13 से 18 के बीच में होता है, वहीं लड़कियों में यह 11 से लेके 18 के बीच में होती है। यह अवस्था की अवधि विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सबके लिए यह एक निश्चित उम्र है। सबकी शरीर में होने वाले अलग अलग परिवर्तनों के आधार पर इसमें कुछ भिन्नता भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु स्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो देखें, स्त्री में रजोधर्म चक्र या फिर ऋतु स्राव किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? किशोरावस्था से, यानी सामान्यतः 11 वर्ष की उम्र के बाद, जो सामान्य रूप से प्रत्येक 28 दिनों के बाद स्त्री के सारे जनन जीवन गर्भधारण अवस्था को छोड़कर में नियमित चलता रहता है। यानी जो ये रजोधर्म या ऋतु स्राव की प्रक्रिया है, ये लड़कियों में किशोरावस्था शुरू होने के बाद तक पूरे जीवन चक्र तक ये प्रक्रिया क्या होती है? प्रत्येक महीने ये लगभग चलती रहती है। इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर प्रवाह होता है। इसमें होता क्या है? तो महिलाओं का या मादा में जो गर्भाशय होता है वहां से प्रत्येक महीने रुधिर का प्रवाह होता है, रुधिर का स्राव होता है। इसे ही मासिक धर्म या ऋतु स्राव कहते हैं। वैसा क्यों होता है? तो इस चक्र में जो लिंग हार्मोन है वो गर्भाशय की दीवार को अंडे के चिपकने के लिए क्या करते हैं? तैयार करते हैं। यानी इस स्थिति में मादा का जो गर्भाशय है वो शुक्राणु ये मिलने की स्थिति में अपने आप को क्या करता है? तैयार करता है कि अगर उस अवधि में शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलेगा तो ऐसी स्थिति में निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण होगा, फिर भ्रूण और फिर शिशु का निर्माण होगा। तो इस प्रक्रिया के लिए जो मादा का गर्भाशय होता है वो प्रत्येक महीने अपने को तैयार करता है। अगर इस अवधि में गर्भधारण नहीं होता, यानी नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु के साथ नहीं मिलता, तो प्रत्येक महीने के अंत में दीवार की जो सतह है वो दीवार की सतह जो गर्भ धारण के लिए तैयार हुई थी वो क्या हो जाती है? टूट जाती है और क्या हो जाती है? डिचार्ज हो जाती है। ठीक है, और इसी कारण से उस गर्भाशय की दीवार के टूटने से वो रक्त स्राव होने लगता है। यह ऋतु स्राव सामान्यतः 10 से 14 वर्ष की आयु में क्या होता है? शुरू होता है और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न देखो, योजना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए, यानी जब किशोरावस्था शुरू होती है तो जो शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं बालक और बालिका दोनों के, उनकी हमें सूची बनानी है। तो जो यौवनारंभ की सामान्य उम्र है वो 11 से 19 वर्ष के बीच है, जो किशोरावस्था की उम्र है। तो इस अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लड़कों में होने वाले परिवर्तनों की। तो देखें, अचानक लंबाई में क्या होना, वृद्धि होना। दूसरा, बाजू और टांगों की अस्थियों का लंबा होना और लड़का क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, यानी सबसे पहला लक्षण है लंबाई में परिवर्तन होना। दूसरा, कंधे और वक्ष दोनों ही क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। कंधे वाला हिस्सा और वक्ष यानी सीने वाला हिस्सा दोनों ही क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। शरीर की मांसपेशियां विकसित हो जाती है, ठीक है। आवाज भारी हो जाती है, एडम एप्पल सुस्पष्ट उभरा भाग गले में क्या होता है, दिखाई देता है। आप अपने गले का जो हाथ दोगे तो एक बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग दिखेगा, यही है एडम एप्पल्स, ये आपको फिर बाहर की तरफ स्पष्ट रूप से उभरा हुआ दिखाई देता है। और आवाज कैसे लगती है, भर्राने लगती है, नहीं भारी भारी हो जाती है। अगला, पसीना और श्वेत ग्रंथियों के स्राव में वृद्धि के कारण चेहरे पर फुंसियां और मुहांसे हो जाते हैं। इस उम्र में चेहरे पर धीरे धीरे छोटी छोटी फुंसियां और मुहांसे आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। नर जननांग जैसे सीसन और वर्षण पूर्णतः क्या होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। इसके अलावा लड़कों के सीने में बगल, जांग, दाढ़ी, मूंछ, इन सभी भागों में क्या आते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं। सीने, बगल और जांग में बाल आना शुरू हो जाते हैं, साथ ही दाढ़ी मूंछ का आना भी शुरू हो जाता है। तो ये सारे लक्षण यौवना आरंभ में लड़कों में होने वाले परिवर्तन है। आगे बात करते हैं यौवना आरंभ में लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों की बात करते हैं। तो लड़कियों में जो वृद्धि है वो लड़कों की तुलना में क्या होती है, कम होती है, यानी इनकी लंबाई में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। दूसरा परिवर्तन होता है, कमर के नीचे का भाग चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, कमर के नीचे का जो भाग है वो चौड़ा हो जाता है। दूसरा, लड़कियों का स्वर यंत्र नजर नहीं आता, यानी उनकी जो आवाज है वो कैसी हो जाती है, उच्च तारत्व वाली यानी पतली हो जाती है आवाज, ठीक है। लड़कों की तरह चेहरे पर मुहांसे हो जाते हैं। इसके अलावा अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडाणु क्या होने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। इसके अलावा स्तन विकसित हो जाते हैं, बगल और जांघों में क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। तो ये सारे यौवना आरंभ में लड़कियों में होने वाले परिवर्तन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम पाए गए हो। हमें एक सारणी बनानी है जिसमें एक भाग में हमें ग्रंथियों के नाम और दूसरे भाग में हमें उनसे निकलने वाले हार्मोनों के नाम बताने हैं, ठीक है। तो देखें, हमने एक सारणी बनाई है जिसमें एक भाग में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और दूसरे भाग में हमने क्या लिखे हैं, हार्मोन्स के नाम लिखे हैं। देखिए, पहली है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। दूसरी है थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। तीसरी है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। चौथी है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। फिर है वर्षण। तो वर्षण से किसका स्राव होता है, वर्षण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। और अगला है अंडाशय। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। तो इस प्रकार हमने अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे निकलने वाले हार्मोनों की चर्चा कर ली है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगला प्रश्न है, वो दिया गया है लिंग हार्मोन क्या है और उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं लिंग हार्मोन की, कि लिंग हार्मोन क्या होते हैं। तो नर में वर्षण द्वारा और मादा में अंडाशय के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो क्या कहलाते हैं, लिंग हार्मोन कहलाते हैं। नर में वर्षण के द्वारा और मादा में अंडाशय के द्वारा
जिन हार्मोनों का स्राव किया जाता है उन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। अब इसलिए ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यह नर और मादा लिंग में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इसी कारण इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। अब हम बात करें नर लिंग हार्मोन की, तो उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि वर्षण के द्वारा स्रावित होता है। इससे लड़के में चेहरे के बालों में क्या होती है, वृद्धि होती है, और साथ ही शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता भी ये क्या करता है, उत्पन्न करता है। अभी बात करें मादा की, तो मादा लिंग हार्मोन का जो नाम है वो क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं, ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं, और ये भी मादा में जो गौण जनन लक्षण है जैसे स्तनों की वृद्धि, ठीक है, जननांगों पर बालों का उगना, आवाज का पतली होना, ठीक है, आगे जनन अंगों में परिपक्वता आना, ये सारे जो कार्य है वो इसी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, और साथ ही ये गर्भधारण में भी सहायक है। तो इस प्रकार लिंग हार्मोन क्या होते हैं, इनका नामकरण ऐसा क्यों किया गया है और उनके कार्य क्या है, इन तीनों की हमने अच्छे से चर्चा कर ली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुनिए। किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, किशोर में स्वाद कलिया या ग्रंथियां भलीभांति विकसित होती है। यानी एक किशोर को जो भी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है या कर चुका है उसको उचित खान पान का ध्यान रखना चाहिए, इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि किशोरावस्था में शरीर में तीव्र गति से क्या होते हैं, परिवर्तन। तो तीव्र गति से होने वाले उच्च परिवर्तन या वृद्धि के लिए उचित आहार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है या शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि जब ऋतुस्राव क्या होता है, प्रारंभ होता है, तभी उसमें जनन आयु या गर्भ धारण करने की जो क्षमता है उसका विकास होने लगता है। अगला है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। पहला है चिप्स, नूडल्स, कोक, दूसरा है रोटी, दाल और सब्जियां, तीसरा है चावल, नूडल्स और बर्गर, चौथा है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोटी, दाल और सब्जियां, ऑप्शन दूसरा। अगला, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है एडम्स एप्पल। तो देखें एडम एप्पल्स क्या होता है, तो यौवना आरंभ में जब किशोरावस्था शुरू होती है तो लड़कों में स्वर यंत्र के बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है उसे एडम एप्पल्स कहते हैं। देखो चित्र में ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखो, ठीक है, दूसरे पेन से बताता हूं आपको, यहां पर देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको कहते हैं एडम एप्पल्स। तो जब किशोरावस्था शुरू हो जाती है, यौवन आरंभ के लक्षण दिखाई देना प्रकट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एडम एप्पल्स है वो बाहर की तरफ बिल्कुल उभरा हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, ये आपको चित्र में दिख रहा है। दूसरा है गौण लैंगिक लक्षण। तो ये क्या होते हैं, तो आप सब जानते होंगे कि नर में वर्षण और मादा में अंडाशय, ये दोनों जननांग है यानी जनन के अंग है। ये क्या करते हैं, ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। जैसे वर्षण युग्मक के रूप में शुक्राणु का, और जो लड़कियां है, जो मादा है, उसमें युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, लड़कों में क्या होता है, जो लड़कियां हैं वो लड़कियों में इसके कारण स्तनों का विकास होता है। जब यौवना आरंभ प्रारंभ होता है तो स्तनों का विकास होता है, आवाज पतली हो जाती है, जननांगों पर बाल उग जाते हैं। वहीं लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है, जननांगों पर बाल उगते हैं, ये सारे लक्षण हमें दिखाई देना लगते हैं। तो ये जो लक्षण है ये लड़की और लड़के को भिन्न करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी ये लक्षण दर्शाते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, साथ ही ये उनके अंदर होने वाले जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को हमें क्या करते हैं, दिखाते हैं या प्रकट करते हैं। इसी कारण इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। जैसे लड़कों के सीने पर बालों का आना,
ठीक है, दोनों लड़कों और लड़कियों के बगल, जांघों के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बालों का आना, ये सारे ये क्या है, कुछ लक्षण हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये किशोरावस्था या इनमें जनन अंगों का विकास होना क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। इसी कारण इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। अगला है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो जो लिंग का निर्धारण है वो विशेष लिंग गुण सूत्रों के आधार पर होता है। किसके आधार पर? गुण सूत्रों के आधार पर होता है। जैसे नर में एक्स वाई गुण सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? नर में एक्स वाई गुण सूत्र, और मादा में क्या होते हैं? एक्स एक्स गुण सूत्र होते हैं। अतः स्पष्ट है कि मादा के पास कोई भी वाई गुण सूत्र नहीं होता है। तो जब नर मादा के संयोग से कोई संतान उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में जो मादा है वो किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि नर शिशु में क्या गुण सूत्र होना चाहिए? एक्स वाई गुण सूत्र होना चाहिए, और वाई गुण सूत्र किसमें होता है? केवल पुरुष में होता है। अतः किसी महिला के द्वारा लड़का या लड़की का जन्म होगा, यानी वो बालक या बालिका को जन्म देगी, इसका निर्धारण मादा नहीं करती, इसका निर्धारण नर के द्वारा होता है। ठीक है, इसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है कि उसकी होने वाली संतान बालक होगी या बालिका होगी। देखो यहां पर आपके सामने चित्र दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मादा में एक्स एक्स गुण सूत्र होते हैं और नर में क्या होते हैं? एक्स वाई। तो जब मादा का एक्स गुण सूत्र नर के एक्स गुण सूत्र के साथ मिलता है तो एक्स एक्स बनता है, और ऐसी स्थिति में लड़की का जन्म होता है। और यदि मादा का एक्स जो नर के वाय शुक्राणु से मिलता है, ठीक है, या वाय गुण सूत्र से मिलता है, तो एक्स वाय गुण सूत्र बनता है, तो इस स्थिति में किसका निर्माण होता है? बालक का निर्माण होता है। अतः तो बालक या बालिका इसके लिए मादा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कौन जिम्मेदार है? नर जिम्मेदार है। वो ही निर्धारण करता है कि उसकी होने वाली संतान बालक होगी या बालिका होगी, ये नर गुण सूत्रों से निर्धारित होता है। यहां पर फिर से मैंने वही बात समझाई है कि निषेचन की क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुण सूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुण सूत्र से मिलता है, तो इससे एक्स एक्स जोड़ा बनता है, और संतान के रूप में किसका निर्माण होता है? लड़की का निर्माण होता है। और यदि पुरुष का वाई लिंग गुण सूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुण सूत्र के साथ मिलता है, तो निषेचन में एक्स वाई जोड़ा बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप किसका जन्म होगा? लड़के का जन्म होगा। इस प्रकार किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म किस पर निर्भर करता है? पुरुष के गुण सूत्रों पर निर्भर करता है, क्योंकि वाय गुण सूत्र किसके पास होता है? केवल पुरुष के पास ही होता है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।